गुड इवनिंग शुभ संध्या राधे राधे जय श्री कृष्ण सभी साथियों को जय बिहार धूमाधार तो एकदम आपकी मिलेगी वर्दी जरूर और एकदम पूरी मेहनत से शिद्दत से लग जाइए और एक लंबी छुट्टी के बाद लंबी छुट्टी क्या डेंगू हो गया था बीमार था मैं इस वजह से पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पाया उसके लिए माफी चाहूंगा अब आपका एग्जाम करीब है और हम वापस से आ गए हैं और क्लासेस अब आपकी नियमित रूप से आला। लेंगे और चूंकि डेंगू हुआ था तो थोड़ा सा रिकवरी में टाइम तो लगता है बट यह है कि आपकी क्लास लेंगे आपकी क्लास मिस नहीं करेंगे चलिए जी स्वागत है नंदिनी जी मुकेश दीपिका अरुंधति संतोष प्रिंस राहुल शिवशंकर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अच्छा सबसे पहले तो यह समझिए कि आज के सेशन में आप पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जी हां मतलब यह है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसमें मैं पढ़ाऊंगा अठारह की क्रांति से लेकर 1947 तक यह तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा लेकिन इसमें राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ बिहार के स्तर पर जो चीजें हैं उनको भी आपको लेकर चलेंगे जी ठीक है ना चलिए तो तैयार है सभी लोग एक बार जय बिहार कमेंट में आना चाहिए सभी की तरफ से और उसके बाद क्लास को तो जोरदार तरीके से शुरू किया जाए भाई बिल्कुल हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं भाई अमन अरुंधति दीपा विपिन मुकेश बहुत बढ़िया नीतीश पूनम जय बिहार जय बिहार भैया चलिए गुप्ता जी स्वागत है चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को बहुत बहुत प्यार ये रहा आज का पहला सवाल बताएंगे क्या होगा जवाब साथियों वैसे तो मैं आपको बता दूं कि टोटल में क्वेश्चन लेकर आया हूं आज एक कितने क्वेश्चन एक क्वेश्चन अब सब हरी इच्छा है जितनी एनर्जी रहेगी है ना जाहिर सी बात है कि ठीक है तो थोड़ा सा बीमारी के बाद उतनी एनर्जी रहती नहीं है तो जितनी एनर्जी रहेगी तब तक पढ़ाऊंगा आइए अठारह के विद्रोह का नेतृत्व तो बिहार में किसने किया था साथियों कुंवर सिंह अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि चाहे आपसे कहे कि बिहार में क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया चाहे आपसे कहे साथियों पटना में नेतृत्व किसने किया चाहे आपसे कहे कि शाहबाद में नेतृत्व तो किसने किया चाहे आपसे कहे कि आरा में नेतृत्व तो किसने किया चाहे आपसे कहे साथियों कि जगदीशपुर में नेतृत्व तो किसने किया आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें से कहीं का भी नेतृत्व करता पूछा जाए तो आप कहेंगे क्या कुंवर सिंह और कुंवर सिंह को क्या कहा जाता है इसी वजह से बिहार का सिंह कहा जाता है क्या साथियों बिहार का सिंह कहा जाता है और जब बात आती है सिंह की तो भैया शेर बनो सिंहासन की चिंता मत करो जी हाँ अब साथियों कुंवर सिंह के बारे में बता दें कि अठारह की क्रांति को जितने भी नेता लीड कर रहे थे उसमें सबसे उम्र नेता कौन थे तो साथियों सबसे उम्र नेता अठारह 57 की क्रांति में यही थे ठीक है जी चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा सभी लोग फटाफट आंसर आने चाहिए बताना है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया साथियों एक चीज समझिएगा दरअसल में होता क्या था कि ब्राउन बेस राइफल्स का ब्राउन बेस राइफल्स का इस्तेमाल ना, सेना में किया जाता था तो उस समय जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी उसमें ब्राउन बेस राइफल का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें जो कारतूस होता था ना मतलब गोली जो होती है जो कारतूस होता था उसका कवर लोहे का बना होता था जिसकी वजह से उसमें जंग बहुत जल्दी लग जाता था तो चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ जब दिसंबर अठारह में किन राइफल्स को शामिल किया गया एनफील्ड राइफल को सेना में शामिल किया गया और इसमें जो है जो चर्बी लगे कारतूस थे ना ये जो चर्बी लगे कारतूस थे इन्हीं की वजह से धार्मिक भावनाएं जो सैनिक थे उनकी आहत हुई और यहां से क्रांति का एक बड़ा कारण ये बना ठीक है जी तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए अठारह सो की क्रांति का कारण तो क्या बता रहे होंगे तो याद रखिएगा अठारह की क्रांति का कारण अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें आप क्या बताएंगे क्या क्या बता सकते हैं वो सुनिए तो सबसे पहला कारण क्या है सैनिक असंतोष तो एक तो आप क्या बता सकते हैं सैनिक असंतोष आप बता सकते हैं क्या बता सकते हैं सैनिक असंतोष बता सकते हैं दूसरा आप क्या बता सकते हैं धार्मिक कारण बता सकते हैं क्या बता सकते हैं धार्मिक कारण बता सकते हैं या आप कह सकते हैं कि धर्म में हस्तक्षेप का संदेह या चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग ठीक है ना ये बताइएगा जरा हाँ जी भाई सुचिता प्रीति शुभम निशा बताइए

जगदीशपुर में लगवाए थे और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह ने कानपुर में कानपुर पर भी आक्रमण किया था कानपुर पर आक्रमण किया था किसके साथ मिलकर भाई नाना साहब के साथ मिलकर संयुक्त रूप से आक्रमण किया था ठीक है चलिए फटाफट बताइएगा पटना के अठारह की स्वतंत्रता संग्राम के नेता अब यहां एक चीज का और ध्यान दीजिएगा भैया हाँ भैया ध्यान दीजिएगा कि इसका एक आंसर होता है पीर अली क्या होता है भैया पीर अली जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे ध्यान दीजिए अगर ऑप्शन में पीर अली होते तो यही आंसर होते ठीक है ना तो पुस्तक विक्रेता थे कौन पीर अली लेकिन पीर अली ऑप्शन में जब ना हो तो आंसर क्या होता है कुंवर राजपूत सिंह ठीक है जी तो बिल्कुल राजपूत कुंवर सिंह बिल्कुल आपको याद रखना है पीर अली अगर ऑप्शन में हो तो वो भी चलता है ये बताइएगा निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था तो साथियों इसमें से अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे तो साथियों मौलवी अहमद उल्ला अठारह की क्रांति में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन माने गए क्यों क्योंकि आप देखेंगे कि इन्होंने अयोध्या से क्रांति का नेतृत्व किया ठीक है इन्होंने कहां से लीड किया तो अयोध्या से इन्होंने क्रांति का क्या किया था नेतृत्व किया था एक बात तो यह ध्यान देनी है और दूसरी बात यह ध्यान देनी है कि अंग्रेजों ने इनको इनाम ही घोषित किया था कितना पता है इनके ऊपर पचास हजार रुपए का इनाम तो अठारह की क्रांति में इनके ऊपर पचास हजार का इनाम भी घोषित किया गया और इन्होंने जिहाद का नारा दिया था तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ अठारह की क्रांति में जिहाद का नारा किसने दिया था तो मौलवी अहमद उल्लाह के द्वारा अठारह की क्रांति में जिहाद का दिया गया था ठीक है जी क्लियर बात है अच्छा नवाब लियाकत अली की बात करें तो इन्होंने क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था प्रयागराज से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था कहां से प्रयागराज से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था चलिए इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे हाथ पचास हजार था भैया बहुत था भैया राहुल सुचिता बताएंगे अठारह रॉयल सत्तावन के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा यह सवाल कई बार पूछा जाता है मिर्जा गालिब साथियों कहां के निवासी थे यह भी कई बार पूछा गया है तो याद रखिएगा आगरा के निवासी थे कहां के निवासी थे आगरा के निवासी थे ठीक है ना चलिए अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी की सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था अठारह की क्रांति साथियों जो हुई इसे सिपाही विद्रोह की संज्ञा अंग्रेजी इतिहासकारों द्वारा दी गई है आपको बताना इसमें से कौन सा एक कारण नहीं था जिसकी वजह से है ना क्या हुए भैया ये विद्रोह हुआ तो अधिकारियों की अक्षमता क्या साथियों अधिकारियों की अक्षमता बहुत बढ़िया एकदम सही आंसर दे रहे हैं आप लोग अच्छा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा जोरदार तरीके से ठीक है चलिए फटाफट बताइएगा निम्नलिखित वर्गों में से किसने अठारह के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था तो चलिएगा जरा फटाफट सभी लोग आंसर देंगे जोरदार कमेंट के साथ आंसर आना चाहिए जी फटाफट बताइएगा तो साथियों ना तो साहूकारों ने हिस्सा लिया और ना ही जमींदारों ने हिस्सा लिया तो दो और चार ठीक है ना दो और चार देखिए साहूकार और जमींदारों ने हिस्सा क्यों नहीं लिया तो बड़ी ही सीधी सी बात है कि साहूकार और जमींदारों की अगर हम बात करेंगे तो ये साथियों वो थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया क्यों साथ दिया क्योंकि इन्हें किस बात की टेंशन थी बताइए इन्हें किस बात की टेंशन थी तो इन्हें किसी बात की ऐसी टेंशन थी नहीं ठीक है जिस से वजह से इनको नुकसान हो रहा था तो अंग्रेज इनका है ना अंग्रेजों का इन्होंने लगातार साथ दिया हां जी भाई शुभम क्लास ही शुरू है बेटा कुछ और शुरू है क्या डांस थोड़ा न हो रहा है क्लास ही चल रही है बताओ अठारह के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था तो साथियों मुंगेर में कोई ऐसा विद्रोह नहीं हुआ था कहां पर मुंगेर में ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ था और ध्यान रखना कि आज की जो क्लास है यहां से 200 परसेंट गारंटी है कि आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा जी हां चाहे आप बिहार पुलिस का पेपर देने जाओ या आगे बिहार पीसीएस का पेपर होने जा रहा है वो देने जाओ डंके की चोट पर हम दावे के साथ कह सकते हैं जी हाँ ये बताइएगा जरा फटाफट एकदम जबरदस्त वाला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का लखनऊ में किसने नेतृत्व किया देखिए साथियों अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताते हैं आप बताते हैं बहादुर शाह जफर लेकिन जरा सोच के देखो कि अगर बहादुर शाह जफर ऑप्शन में ना हो तब आप आंसर क्या बता रहे होंगे तो साथियों तब आप बता रहे होंगे क्या तब आप बता रहे होंगे बख्त खान क्या बता रहे होंगे बख्त खान बता रहे होंगे समझ अच्छा, आप बता क्योंकि जफर ने अपना सेना से किया था। जफर ने इनको अपना सेनापति घोषित किया था क्या घोषित किया था समझ इसी प्रकार से आप देखो कि जैसे लखनऊ है तो लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया तो आप कहते हैं सर बेगम हजरत महल ने किया लेकिन मान लो कि बेगम हजरत महल ऑप्शन में ना हो तब क्या बता रहे होगे तब आप बता रहे होगे बिरजिस बिर का बता रहे होगे ब्रिजित कादिर बता रहोगे क्यों भैया ब्रिजिस कादिर क्यों बताओगे क्योंकि ब्रिजिस कादिर इन्हीं के पुत्र थे और बेगम हजरत महल ने अपने बेटे ब्रिजिश कादिर को नवाब घोषित कर क्रांति को यहां से शुरू किया था बात समझ रहे ना क्रांति को यहां से शुरू किया था तो आप उस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे ध्यान में रखेंगे और बिल्कुल भी मिस नहीं होने देंगे ठीक है और इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कि कानपुर से क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया अब ऑप्शन में अगर आपको नाना साहब ना मिले तो आप क्या बताओगे सोचो तब आप क्या बताओगे तब आपको बताना पड़ेगा तात्या टोपे क्यों भैया क्योंकि तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना सेनापति घोषित किया था ठीक है ऐसे ही आप देखो कि आपसे कहा जाए कि ग्वालियर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया तो साथियों ग्वालियर से नेतृत्व तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों ने किया वैसे मुख्य रूप से तो किसने किया तात्या टोपे ने किया ग्वालियर से नेतृत्व लेकिन अगर आप देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लड़ाई कहां हुई थी भाई रानी लक्ष्मीबाई की भी तो अंतिम लड़ाई ग्वालियर में हुई थी जनरल हिवरोज के साथ ठीक है जहां पर वो वीरगति को प्राप्त हुई है ना बात समझ रहे हो ना तो ये चीज समझनी पड़ेगी कहने का तात्पर्य है कि आप भी जानते हो कि हल्के सवालों से आज के जमाने में सफलता नहीं मिलती है केवल आप सफलता के करीब पहुंच सकते हैं तो सफलता चाहिए तो इस तरह के प्रश्नों पर फोकस करना पड़ेगा ठीक है जी अच्छा अब एक बात का और जरा ध्यान दो कि यहां पर कुछ है ना ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जैसे कि बेगम हजरत महल ठीक अच्छा, है अच्छा बेगम हजरत महल का नहीं नाना साहब का क्वेश्चन आता है नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था तो याद करो नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था धूधू पंत था क्या था धूधू पंत था अच्छा रानी लक्ष्मी बाई का वास्तविक नाम क्या था साथियों का था क्या था भैया मणिकर्णिका था किसका वास्तविक नाम तो अगर आप देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था रामचंद्र पांडुरंग क्या था रामचंद्र पांडुरंग था समझ रहे हो बात को ये पूछा जाने वाला प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ठीक है और इसी प्रकार से एक सवाल और है क्या कि अठारह की क्रांति के बाद कौन ऐसा रहा जो नेपाल चला गया 1857 की क्रांति के बाद कोई बता सकता है कि 1857 की क्रांति के बाद कौन ऐसा रहा जो नेपाल चला गया ठीक है ना नेपाल चला गया मतलब ये क्रांति में जीत नहीं मिली तो कहां चले गए नेपाल चले गए कौन भैया नाना साहब और कौन बेगम हजरत महल बात समझ रहे पकड़ में आ रही है बात कि बेगम हजरत महल और आना आपकी नाना साहब जी ये दो लोग ऐसे रहे जो अठारह की क्रांति में सफलता न मिलने पर कहां चले गए नेपाल चले गए अंग्रेजों से बचने के लिए चलिए जी ये बताइएगा अठारह का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा ध्यान दीजिए ये जो तो चारों लिखा है ना वैसे कारण तो ये सब है ठीक है कारण तो ये सब है लेकिन आपको यह बताना है कि मुख्य कारण आप इस बात का ध्यान दीजिएगा मुख्य कारण वैसे तो हिंदी हिंदू मुस्लिम एकता की कमी यह तो खैर बहुत ज्यादा नहीं दिखी थी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी हाँ ये दिखी थी ठीक है ना ये दिखी थी वैसे कारण तो ये भी था कि इसका प्रभाव का सीमित क्षेत्र तो इसका प्रभाव जो है बहुत सीमित क्षेत्रों तक रहा यह भी एक असफलता का कारण था लेकिन मुख्य कारण क्या है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी यह बताइएगा भाई विराट क्या बात है अनिता जी बिल्कुल बताइए भाई अमृता महारानी विक्टोरिया साक्षियों महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी ठीक है इन्होंने ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में भारत को कब घोषित किया देखो एक बात समझना हम जानते हैं कि अठारह की क्रांति हुई अठारह की क्रांति के बाद अठारह की क्रांति के बाद क्या हुआ अठारह की क्रांति के बाद विक्टोरिया घोषणा हुई क्या हुई विक्टोरिया घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्गों ने इसे अपने अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा है और यह विक्टोरिया घोषणा एक नवंबर अठारह को कहां पर हुई थी प्रयागराज में हुई थी कहां पर हुई थी यह घोषणा प्रयागराज में यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी तो उस समय का जो वायसराय था भारत का वायसराय कौन भैया कैनिंग तो याद रखिएगा विक्टोरिया घोषणा कैनिंग ने की थी और इस विक्टोरिया घोषणा का प्रभाव क्या रहा प्रभाव यह रहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई और किसकी सत्ता समाप्त हो गई मुगलों की भी सत्ता समाप्त हो गई और साथियों ब्रिटिश क्राउन की सत्ता क्या हो गई शुरू हो गई ब्रिटिश क्राउन की सत्ता क्या हो गई शुरू हो गई तो यह तीन चीजें याद रखनी है कि एक नवंबर अठारह को यह चीज प्रयागराज में हुआ अच्छा आखिर प्रयागराज में यह घोषणा क्यों हुई क्या आपने कभी सोचा कि प्रयागराज में ही यह घोषणा क्यों हुई तो भाई साहब इसलिए क्योंकि प्रयागराज अठारह की क्रांति के समय आपातकालीन राजधानी था क्या था आपातकालीन राजधानी था इमरजेंसी कैपिटल ठीक है ना यह भी पूछा जाता है कि अठारह की क्रांति के समय आपातकालीन राजधानी अंग्रेजों ने किसे बनाया था अठारह के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया अब जरा यह भी ध्यान दीजिए भाई हम जानते हैं कि अट्ठारह की जो क्रांति है उसमें है ना अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि भारतीय सेना में भारतीयों की संख्या ज्यादा रखना ठीक नहीं है नहीं तो यह हमको उखाड़ के फेंक देंगे और अंग्रेजों हम अंग्रेजों को ब्रिटेन तक छोड़कर आएंगे ठीक है इसीलिए जब अठारह की क्रांति खत्म हुई तो इन्होंने एक पील कमीशन का गठन किया किसका भैया पील कमीशन या पील आयोग का गठन किया और पील कमीशन का गठन कहा किया था सेना के पुनर्गठन पर विचार विमर्श के लिए कि सेना का पुनर्गठन कैसे किया जाए और क्या कुछ चीजें इसमें होनी चाहिए तो इन्होंने क्या किया पता है जब स्टील कमीशन की सिफारिश पर बंगाल में भारतीय और भारतीय और अंग्रेजी सेना का अनुपात अंग्रेजी और भारतीय सेना का अनुपात एक अनुपात दो कर दिया गया और मद्रास में कितना कर दिया गया मद्रास में कर दिया गया एक अनुपात तीन बात समझ रहे हैं कहने का तात्पर्य है कि भाई जब अठारह की क्रांति के बाद सेना का पुनर्गठन हुआ तो बंगाल में अगर एक अंग्रेजी सैनिक होता था तो दो भारतीय सैनिक होते थे और मद्रास में एक अंग्रेजी सैनिक होता था तो तीन भारतीय सैनिक होते थे ठीक है जी और कहां से गठन हुआ तो गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रदेश से ठीक है जी उत्तरी प्रांत से ठीक यह बात समझ के चलनी बहुत बढ़िया अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा और मैं हल्का पढ़ाने में विश्वास नहीं करता आप जानते हैं ठीक है जी चलिए बताइएगा निम्नलिखित में से किसने अठारह के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी तो साथियों जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा यह कहा गया कि यह हिंदू मुस्लिम षडयंत्र का परिणाम था क्या कहा इन्होंने इन्होंने कहा कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था यह बताइएगा अठारह के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है तो याद रखिएगा कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या नाम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो सीधी सीधी बात है जो आपको याद रखनी है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है ना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब लिखी गई ये बताइएगा बहुत बढ़िया क्या बात है भाई राजधानी एक्सप्रेस हाँ जी नीरज अशोक नीतू विपुल बहुत बढ़िया गुड्डी जी बताइए फटाफट हाँ साथियों अब देखिए अभी हो सकता है कि आप मेरे अंदर वो है ना पहले जैसा एकदम एग्जैक्टली एक वो दहाड़ के पढ़ाने वाली फीलिंग अभी आप नहीं फील कर पा रहे हो क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि डेंगू हुआ था तो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया हूं पूरे जोश में पढ़ेंगे लेकिन यह है कि अभी है ना थोड़ा सा आराम से ही चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अठारह के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के गठन से संबंधित था तो साथियों पील आयोग कौन सा पील आयोग अच्छा इसमें हंटर आयोग भी इंपॉर्टेंट है अगर आप

1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह कहां किया था साथियों दरअसल में 1855-56 में हुआ था और यह विद्रोह आप देखेंगे तो रांची वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से हुआ था झारखंड वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से हुआ था भागलपुर वगैरह का क्षेत्र भी इसमें प्रभावित था और ये संथालों ने जो विद्रोह किया था यह किसके नेतृत्व में किया था तो सिद्धू और कानून के नेतृत्व में किया था किसके भैया सिद्धू और कानू के नेतृत्व में किया गया था ठीक है ना तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जो राजमहल की पहाड़ियां हैं ठीक है और इस तरह के उस क्षेत्र है वहां पर मेजर बारो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को संथालों ने कूट दिया था ठीक है ना हाँ संथालों ने साथियों कूट दिया था आपको बता रहा है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो सिद्धू और कानू ने किया था ठीक है मुंडाओं ने विद्रोह कहां खड़ा किया अब जरा ध्यान दीजिएगा मुंडाओं के द्वारा जो विद्रोह किया गया उसको आप क्या कहते हो मुंडा विद्रोह कहते कहते हो हो और क्या कहते हो इसको इसको आप उलगुलन विद्रोह भी भी कहते 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 हो 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 क्या साथियों इसको आप उलगुलन विद्रोह और याद करो कि इसका नेतृत्व तो किसके द्वारा किया गया था तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था किसके द्वारा बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था और यह भी ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जाता है कि इन्होंने किसकी पूजा पर फोकस किया तो बोंगा जी सिंह बोंगा की पूजा ठीक है सिंह बोंगा की पूजा पर जोर दिया सिंह बोंगा की पूजा पर जोर दिया है ना आप कहेंगे गुरुजी क्या क्या बता रहे हो आज सिंह बोंगा कौन है सिंह बोंगा जो है ये मुंडाओं के क्या थे देवता थे मुंडाओं के देवता थे चलिए जी अगला प्रश्न देखिएगा उलगुलन विद्रोह देखिए अभी अभी बताया उलगुलन किससे जुड़ा जुड़ा है जुड़ा है बिरसा मुंडा से क्योंकि उलगुलन विद्रोह को ही क्या कहते हैं मुंडा विद्रोह कहते हैं क्या कहते हैं मुंडा विद्रोह अच्छा इस मुंडा विद्रोह का क्षेत्र मुख्य रूप से क्या था आज का झारखंड वाला क्षेत्र था और याद रखिएगा बिरसा मुंडा के नाम पर एक हॉकी स्टेडियम भी है कहां पर है किस राज्य में है इनके नाम पर एक हॉकी स्टेडियम किस राज्य में है तो भैया इनके राज नाम पर एक हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में है जो कि साथियों क्या कहोगे आप कि लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है क्या है साथियों लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है तो बिल्कुल आपको याद रखने की जरूरत है और इनके नाम पर एक सड़क भी बनाई गई है बिरसा मुंडा के नाम पर महाराष्ट्र में ठीक है भैया आशिफ आओ भाई खुशबू जी ये बताइए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन बता रहा है भैया नीता नीतू भगत जी

अगर हम अठारह की क्रांति की बात करें तो अंग्रेजों का सपोर्ट किसने किया क्रांति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट किसने 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 किया किया का सपोर्ट था याद कर सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था, तो था ग्वालियर की सिंधियाओं ने किसने किया था ग्वालियर की सिंधिया आप समझिए अंग्रेजों का ग्वालियर की सिंधियाओं ने इतना ज्यादा समर्थन किया कि अंग्रेजों ने यहां तक कहा कि अगर ग्वालियर की सिंधिया हमारा साथ ना देते तो हमें रातों रात अपना बोरिया बिस्तरा गोल करना पड़ता है ठीक है जी ये बताइएगा बंकिम चंद्र चटर्जी का साथियों आनंद मठ बहुत शानदार किताब है आप देखेंगे इसको क्या कहा जाता है साथियों इसको बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहते हैं क्या कहते हैं इसको इसको साथियों बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है अब बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन जान लीजिए आज क्या जान लीजिए मान लीजिए और हमें पहचान लीजिए क्या साथियों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किसने किया हाँ जी क्वेश्चन कैसे आता है अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किसने किया और विकल्प क्या देता है मजदूरों ने दूसरा विकल्प क्या देगा किसानों ने ठीक है ना तीसरा विकल्प क्या क्या दे देगा देगा सन्यासियों सन्यासियों ने ने ठीक है ना कह बात समझ रहे हो कि नहीं तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया था सन्यासियों ने किया था और इस विद्रोह को क्या कहा जाता है सन्यासी विद्रोह कहा जाता है तो याद रखेंगे कि सन्यासी विद्रोह क्या याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह जो कि आप देखेंगे तो 1764 से लेकर 1800 ईस्वी तक रुक-रुक कर चलता रहा और सन्यासी विद्रोह किसके खिलाफ था तीर्थ यात्रा कर खिलाफ था याद रखिएगा अंग्रेजों ने क्या किया तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया ठीक है जब तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया तो सन्यासीों ने भी झोंक दिया कि आओ चलो है ना उखाड़ के फेंक देंगे तुमको ठीक है जी तो सन्यासी विद्रोह के बारे में आनंद मठ में बताया गया है ठीक है किसमें आनंद मठ में बताया गया जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं और ये आनंद मठ वही है साथियों जहां से वंदे मातरम लिया गया है जी हाँ अरे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम जी ये बताइएगा हाँ जी बहुत बढ़िया भाई रिंकू दीपिका अशोक निशु अमृता राहुल जी बताइए भैया 1878 का साथियों वर्णाकुलर प्रेस एक्ट ये वर्णाकुलर प्रेस एक्ट को देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम क्यों कहते हैं बताओ देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम क्यों कहते हैं बताओ जरा तो साथियों देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्योंकि यह देशी भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर लागू हुआ देशी भाषाओं में छपने वाले, वाले समाचार पत्रों पर लागू हुआ और यही कारण है कि इसे मुंह बंद कर देने वाला कानून भी कहा जाता है मुंह बंद कर देने वाला कानून भी कहा जाता है अच्छे से पढ़ लीजिए पेपर में क्वेश्चन ना मिले तो कहिएगा यहीं पर जो कहेंगे वो हार जाएंगे मुंह बंद कर देने वाला कानून भी कहा जाता है साथियों रिपन साथियों लिट्टन के समय में आया था ठीक है लेकिन रिपन के समय में इसको रद्द किया गया था अठारह में ठीक है जी 1882 में ये देखिए चला सत्यार्थ प्रकाश की रचना क्या बात है बहुत शानदार किताब है भाई सत्यार्थ प्रकाश साथियों वो किताब है जहां से स्वराज शब्द आया ठीक है क्या आया साथियों स्वराज शब्द आया तो, तो कई बार कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है कि स्वराज शब्द की उत्पत्ति किस किताब से हुई है तो स्वराज शब्द की उत्पत्ति सत्याग प्रकाश नाम की कि किताब से हुई है जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है लेकिन क्या आप में से कोई ये यह जानता है या बता सकता है कि स्वराज आप जरा बताइएगा फटाफट बताइएगा भाई साहब स्वराज शब्द की व्याख्या किसने की है कोई बता सकता है स्वराज शब्द की व्याख्या किसने की है स्वराज शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है जी हाँ स्वराज की पहली बार मांग किसने की थी स्वराज की पहली बार मांग किसने की थी या स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था ठीक है प्रथम प्रयोग किसने किया था और किसने ये कहा था किसने स्वराज बिल पेश किया था क्या कोई बता सकता है कि स्वराज स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक ने कहां पर या कहां पर कहा था किस वर्ष कहा था ठीक है कोई बता सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था इस तरह के ढेरों सारे सवाल हैं जरा मैं एसी थोड़ा सा ऑन कर लूं गर्मी भी हो रही है अगर आप तक हमारा बढ़िया कंटेंट पहुंच रहा हो तो जरा सेशन को लाइक करके हमें सूचित करिएगा हां जी भाई गोल्डी जी हां जी जरा ध्यान दीजिएगा तो साथियों उत्पत्ति हमने कहां से बताया हमने कहा सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब है किसकी है साथियों दयानंद सरस्वती की है उसी में आता है ठीक है किसके द्वारा लिखी गई ये किताब सत्यान दयानंद सरस्वती के द्वारा ठीक है जी व्याख्या किसने की जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम क्या है हिंद स्वराज है ना इसी हिंद स्वराज नामक किताब में है ना इन्होंने स्वराज शब्द की व्याख्या की है ठीक है अब जरा यह भी ध्यान दीजिएगा कि पहली बार मांग किसने की थी और पहला प्रयोग किसने किया तो दोनों का ही आंसर है दादा भाई नेरोजी दादा भाई नेरोजी साथियों हाँ जी स्वराज बिल कब आया था अठारह में लाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जिसके माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी अब आप कहेंगे सर संविधान सभा अरे भैया भारत का संविधान किसने बनाया संविधान सभा ने ही तो बनाया है ना जी अब जरा ध्यान दीजिए स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और हम इका लेके रहा के लखनऊ में कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे तो सर आ गए हैं आपसे कुछ मुखातिब होंगे चलिए भाई क्या हाल चाल है सभी का सब बढ़िया शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद तो फाइनली विशाल सर जो है वो वापस आ चुके अब आप सभी के सामने तो जो भी आपके पास कमियां रह रही थी कि सर विशाल सर को बुलाइए विशाल सर को बुलाया तो सर को पता आपको उनके डेंगू हुआ था अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ क्योंकि एक दो दिन में तो कोई नहीं सह सकता आपको बात अच्छे से पता है। और पचास साठ हजार प्लेटलेट्स से अभी मुश्किल सर हमें लगा एक डेढ़ लाख के आसपास ही पहुंचा बहुत नहीं हुआ और आज भी जो है वो टेस्ट टेस्ट करा के सर आ रहे हैं कि कितना सर का प्लेटलेट्स है उसके बावजूद यह था कि बच्चों की परीक्षा एक अक्टूबर को निर्धारित है तो इसकी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए भले एक क्लास पूरे हम दिन भर में ले रहे होंगे लेकिन वो बिहार वाले बच्चों के लिए यहां पर हो रहा होगा और यही प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं आपको और बेहतर सर को बना रहा होता है बच्चों के लिए शानदार तरीके से दूसरी बात यह भी है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की किताब लेने वाले इसमें से कितने बच्चे जरा एक बार यस कमेंट करिए जिनके पास ये अपनी बिहार वाली जो किताब है ये कितने बच्चों के पास है जरा हयाना में बता दीजिए भाई ठीक है तो अब आपके पास यह है कि सिर्फ हमने जो जितनी भी किताबें आपके लिए प्रिंट कराई थी मात्र पांच से छह हमारे पास स्टॉक में बची रह गई है तो अगर आपने अभी तक किताबें नहीं ली क्योंकि इसके बाद हम प्रिंट नहीं करा सकते ऑलरेडी पेपर आ चुका है तो उस समय बच्चा लेगा नहीं तो अब प्रिंट नहीं हो सकता तो अगर आपने अभी तक का नहीं ली होगी तो सिर्फ 500-600 स्टॉक में बची है बेस्ट सेलर है पिछले एक हफ्ते से जब से सलूशन चल रहा है जब से सब कुछ चल रहा है फ्लिपकार्ट जाइएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल सर्च कर लीजिएगा आपको यहां पर मिल जाएगी बिहार पुलिस क्लासेस इतना के फैक्ट दिए गई है, दि गए है, पेपर्स है। और तो आपको करने है नहीं कि इस किताब के फंसेंगे ये बात तो 100 परसेंट गारंटी है और जब टीचर किसी किताब के लिए मेहनत कर रहे होते कहीं ना कहीं वो किताब अपने आप में बेस्ट बननी होती है तो इस किताब को पूरा किताब अच्छा विपुल रहा है पूरा किताब पढ़ लिया मजा आया पूरी किताब को पढ़ने में शानदार जबरदस्त लगी है ठीक है तो ये आपके पास किताब जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की नीचे आपको लिंक भी दिया गया है उस लिंक पे क्लिक करके आप ले सकते हो और इस पूरी क्लास को एंजॉय करिए इसके बाद आपको लिंक दिया जाएगा उस किताब से आप बाय कर लीजिएगा ठीक है चलिए तो क्लास को आप एंजॉय करिए संख्या यह हजार में दिखनी चाहिए तीन से चार नंबरों में आनी चाहिए और जितना हो जाए उतना जोश लगाइए हर एक जगह टेलीग्राम हो व्हाट्सएप हो इंस्टाग्राम हो जो जो चलाते हो आप जहां जहां बात करते हो जिससे वहां हर जगह शेयर कर डालिए ठीक है बाकी अब आपके सर की क्लास ऑलरेडी चलेगी और एक और भी आपको सरप्राइज बहुत जल्द बिहार वाले बच्चों को मिलेगा क्योंकि परीक्षा पास हो आ चुकी है तो हमारा जो सबसे कह सकते हैं कि ऐसा खतरनाक सीरीज जिससे क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं उसका नाम है विजयश्री महाराथन पता है भाई आप लोग को हाँ या ना बताओ जरा सबके सब सबको सब पता है ना वो विजयश्री महाराथन हम पच्चीस सितंबर से लेकर आ रहे हैं अनाउंसमेंट आपको दो से तीन मिल जाएगी टाइम टेबल के हिसाब से वो विजय सिंह मैराथन आपको पता ऐसी मैराथन होती है जो एग्जाम में हुबा हुफ फसा देती है और बहुत कम परीक्षाओं के लिए हम लेकर आते हैं जिसमें बच्चे का एकदम भरोसा मिलता है कि भाई इसके लिए अगर विजय सिंह मैराथन लाएंगे ना तो बच्चा सक्सेस हो जाएगा उसी के लिए लेकर आ रहे होते हैं और ये आपके बिहार वाले बच्चों के लिए आने वाली है पूरी टीचर एकदम ईमानदारी के साथ मेहनत करने वाले और जबरदस्त सीरीज आपको देने वाले ठीक है चलिए थैंक यू सो मच धन्यवाद सर कुछ बच्चे आनंद ले रहे हैं कह रहे हैं सर आपका आना यूं मुस्कुराना मजा आ गया तो साथियों बहुत बहुत आभार बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के दुआओं के लिए आप सभी के समर्थन के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे सजेशन दे रहे हैं कि सर हरी सब्जी खाइए कीवी खाइए है ना फ्रूट्स वगैरह तो, तो देखिए भैया सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कीवी जो है इतना खट्टा होता है कि हमसे नहीं खाया जाता खट्टी चीज़ें मैं नहीं खा पाता हूँ तो मैं कीवी नहीं खा पा रहा हूँ ना तो अनार का जूस पी रहा हूँ ना तो अनार अनार खा पा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है और सही बताऊं तो खाने पीने में मैं बस नारियल पानी पी पा रहा हूं दोनों टाइम नारियल पी रहा हूं नारियल पानी मतलब आप कोकोनट है ना वोटर कह सकते हैं और इसके अलावा बाकी जो भी एप्पल है है ना बनाना है यही सब ले पा रहा हूं ठीक है मैं थोड़ा सा खाने पीने में बहुत सेलेक्टिव हूं कि ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा ये खा पाऊंगा ये नहीं खा पाऊंगा तो ये थोड़ा सा है इवन डॉक्टर ने कहा थोड़ा दही वही खाओ तुम्हारा हमारा लीवर भी कुछ गड़बड़ दिख रहा है तो हमने कहा यार दही तो नहीं खा पाऊंगा दोस्त चुकंदर खाऊं अरे यार भाई वही बताओगे जो मैं स्वराज पार्टी साथ अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये सब तो ठीक है ये सब आप है ना आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं और एक बात और है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं सर मेरी तैयारी नहीं है मुझे तो इसमें से कुछ नहीं पता है मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि जब जागो तभी सवेरा ठीक है अभी ये बिल्कुल मत सोचो कि मेरा तैयार नहीं है मुझे याद नहीं है मुझे कुछ पता नहीं ना कुछ नहीं ये नेगेटिव मैसेज क्यों दे रहे हो अपने आप को अपने दिमाग को इससे तो चीजें और गड़बड़ हो जाएंगी आप नेगेटिव मैसेज बिल्कुल मत दीजिए हम जितने दिन बचे हुए हैं लगातार क्लासेस आपको देंगे विजयश्री मैराथन आ रहा है से से ध्यान से, पूरे जो है पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है ना इतना मत सोचो ठीक है अब जरा एक बात और ध्यान दे दो यहां बता चलिए ये बताइए कि कोई बता सकता है कि पूर्ण स्वराज का नारा सबसे पहले किसने दिया था पूर्ण स्वराज का नारा हाँ जी चलो फटाफट बता दो तो मैं जानू और मेरे कमेंट बॉक्स पर नजर है कि कौन आंसर दे रहा है पूर्ण स्वराज का नारा पूर्ण स्वराज का नारा पहली बार किसने दिया चलो फटाफट बता दो और हां एक बात और जो मैं बताना चाहूंगा कि आईएनसी के लक्ष्य आईएनसी के लक्ष्य के रूप में है ना आईएनसी के लक्ष्य के रूप में स्वराज को कब निर्धारित किया गया और आईएनसी के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज को कब निर्धारित किया गया इसमें बहुतों लोगों के आंसर गलत आते हैं भैया आओ जरा मैं सही आंसर बता दूं कि इसका आंसर है कि 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष थे इसका आंसर है उन्नीस कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे ठीक है जी अच्छा लेकिन इसका आंसर क्या है जानते हैं इसका आंसर है हसरत मोहानी जो कि बहुत रेयरली लोग जानते हैं ठीक है ना तो याद रखिएगा पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था हसरत मोहानी शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जिसने ये वाला आंसर सही दिया है कोई बात नहीं फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पढ़ रहे हैं वीके का जीके और हम नहीं पढ़ने देंगे आपको बिल्कुल भी फीके ठीक है ना आ चलो ये बताओ समाज के संस्थापक कौन थे सभी के आंसर आने और बात यहां पर आपको बताना चाहेंगे जैसे याद करिए कि कुछ स्पेशल हो जाए कुछ स्पेशल किस मामले में हो जाए तो साथियों इस मामले में स्पेशल हो जाए कि भैया देखो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई और किसने करी फटाफट बता दो ठीक है प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने करी फटाफट कमेंट करके बता दो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने करी फटाफट कमेंट करके बता दो आदि ब्रह्म समाज फटाफट बताओ जरा सभी के आंसर होने चाहिए जोरदार कमेंट के साथ साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना है ना एक है साधारण ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने करी फटाफट बता दो जरा इसी प्रकार से जरा एक और बता दो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने करी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने करी इसी प्रकार से जरा बता दो कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने करी आर्य समाज की स्थापना अच्छा एक और बता दो बस सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी सत्य शोधक समाज हाँ जी इतना फटाफट बता दो तो मैं जानू कि आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त वाली है हाँ जी फटाफट कौन बता रहा है आइए देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी क्लियर है अच्छा प्रार्थना समाज की स्थापना अठारह में किसके द्वारा की गई आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा ठीक है ना आत्माराम पांडुरंग आदि ब्रह्म समाज की स्थापना अठारह में की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किसके द्वारा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आप देखेंगे तो अठारह में की गई थी किसके द्वारा शिवनाथ शास्त्री कौन थे शिवनाथ शास्त्री थे साथियों और कौन थे आनंद मोहन बोस थे कौन थे आनंद मोहन बोस जी थे ठीक है इसी प्रकार से भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना अठारह में की गई थी किसके द्वारा केशव केशव चंद्र चंद्र सेन सेन के दुआरा? के द्वारा 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 किसके ठीक है है ना अच्छा इसी प्रकार से आर्य समाज की स्थापना है में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा और सत्य शोधक समाज की स्थापना अठारह में हुई थी किसके द्वारा तो साथियों ज्योतिबा फूले के द्वारा किसके द्वारा तो ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापना की गई थी क्लियर बात है पूरा एकदम पकड़ में आ रहा है मामला कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से आपके सामने है का जीके जो नहीं पढ़ने देगा आपको कहीं भी फीके चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें हाँ जी हाँ बिल्कुल 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 भाई रिंकू सॉरी हा स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते <coughs> यह बताइएगा हाँ बहुत बढ़िया भाई गोल्डी एकदम सही कहा गुलामगिरी बड़ी शानदार सी किताब थी स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन अब देखिए एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये रामकृष्ण मिशन जो है इसमें जो साथियों रामकृष्ण शब्द आ रहा है ये कौन थे पता है ये रामकृष्ण परमहंस इनका पूरा नाम था और रामकृष्ण परमहंस साथियों कौन थे तो ये विवेकानंद जी के गुरु थे तो अपने गुरु के नाम पर इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी ये बताइएगा फटाफट तो सभी लोग दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित साथियों दयानंद सरस्वती की बात हो रही है ये वही है जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया अच्छा आप सोच के देखो कि जिस व्यक्ति ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया हो जिस व्यक्ति ने वेदों की ओर लौटों का नारा दिया हो इसका मतलब है कि वो वैदिक शिक्षा का समर्थक रहा होगा है ना इसमें कोई डाउट तो है नहीं इसका मतलब है कि वह वैदिक शिक्षा का समर्थक रहा होगा क्लियर बात है वैदिक शिक्षा का समर्थक रहा होगा और यही कारण है कि इनके द्वारा जो संस्था स्थापित की गई उसका नाम आर्य समाज रखा गया क्यों क्योंकि आर्य कौन थे? कौन थे? थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही तो थे तो चीजों को आप रिलेट करके देख सकते हैं और राइट आंसर क्या है आपको पता है आर्य समाज जिसकी स्थापना अठारह में की गई थी कब की गई थी साथियों अठारह में की गई थी आइए ये बताइएगा जरा किसने 1873 में सत्य में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी तो अभी अभी बताया था कि भैया ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो ध्यान दीजिएगा साथियों प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तब आपका आंसर होता सरोजनी नायडू और 1925 का ये कानपुर अधिवेशन था जिसमें सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी फिलहाल इसका राइट आंसर एनी बेसेंट है 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी थी ठीक है ना चलिए बेसेंट कहां से थी आयरलैंड से थी कहां से थी आयरलैंड से तो ये एक आयरिश महिला थी शुदा महिला थी अठारह में भारत आई और थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी जी हां आपको पीडीएफ साथियों कहां मिल जाएगा तो मेरा टेलीग्राम एक ग्रुप है जिसका नाम है विशाल सर एमडी क्लासेस तो फटाफट टेलीग्राम पर, पर जाइएगा सर्च करिएगा विशाल सर एमडी क्लासेस यहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी कहां पर विशाल सर एमडी क्लासेस टेलीग्राम पर सर्च करना है साथियों स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती दो जगहों पर आएंगे या इवन यू समझिए तीन जगह पर कहां कहां पर एक तो यह है कि उन्नीस में कब उन्नीस में बिहार किसान सभा बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी तो बिहार किसान सभा की स्थापना इन्होंने की दूसरा ध्यान दीजिएगा दूसरा है कि 1936 में लखनऊ में इन्होंने क्या किया अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की किसकी भैया अखिल भारतीय किसान सभा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की तो यह भी याद करना है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की और अगली बात यह ध्यान देनी है कि भैया 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का है ना सबिना वज्ञा आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व किसानों को लीड किसने किया बिहार में वो भी आंसर यही होगा ठीक है ना तीन क्वेश्चन बता रहा हूं फिर से सुन लो बार बार रिपीट होता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना उन्नीस में की 1936 सौ छत्तीस के छत्तीस लख, में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करी और 1930 के सबिना वज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया ठीक है ना तो बिहार में किसान आंदोलनों के साथ ही जुड़े हुए थे और याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय राकेश अनुज शुभंकर प्रिया प्रीति सभी लोग आंसर देंगे महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया आप जरा ध्यान दीजिए आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने दिल्ली दरबार के बारे में जरूर पढ़ा होगा लेकिन आपने कितने दिल्ली दरबार पढ़े हैं आपने एक ही दिल्ली दरबार पढ़ा होगा मैं आपको तीन बताता हूं ठीक है ना एक पहला दिल्ली दरबार जो कि 1877 में हुआ एक दूसरा दिल्ली दरबार जो कि साची 1903 में हुआ और एक तीसरा वाला जो कि 1911 में हुआ ठीक है आप ज्यादातर 1911 वाला जानते हैं 1877 में जब हुआ था तो इस समय वायसराय लिट्टन था और कौन आया था भारत महारानी विक्टोरिया भारत आई थी कौन भारत आया था महारानी विक्टोरिया भारत आई थी और इसी अठारह के दिल्ली दरबार में ठीक है महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और यहीं पर इनको कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी कौन सी उपाधि जी हां वैसे तो आपने सुना है कि कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी एकदम सही सुना है कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को 1915 में मिली थी लेकिन 1877 सो सतहत्तर में कैसरे हिंद की उपाधि किसको मिली थी किसको दी गई थी तो महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी ठीक है ये याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है उन्नीस में जो हुआ था ये करजन के समय में हुआ था यह दिल्ली दरबार ठीक है और इसमें कौन आया था तो ब्रिटेन के सम्राट थे साथियों अच्छा, तो हार्डिंग द्वितीय था कौन था हार्डिंग था और इस दिल्ली दरबार में क्या हुआ था याद ये कौन आया था? तो पंचम और उनकी रानी मैरी ये दोनों लोग भारत आए थे ये दोनों लोग भारत आए थे और इसमें क्या हुआ था तो भैया दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था दिल्ली को राजधानी बनाया गया था और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था यही तो हुआ था तो राइट आंसर क्या है इसका 1877 ठीक है ना चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जानकारी पूरी है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी ठीक है देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी अठारह में हुई थी लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन या तो आप इसको केवल इंडियन एसोसिएशन कहेंगे या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता कहेंगे इसकी स्थापना अठारह में हुई थी किसके द्वारा की गई थी तो दो लोग थे एक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ठीक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दूसरे कौन थे साथियों तो दूसरे थे आपके आनंद मोहन बोस जी कौन थे आनंद मोहन बोस जी थे ठीक है ना आनंद मोहन बोस तो ये दोनों याद रहेगा आपको ना बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी ये बताइए जरा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था जी हाँ वैसे तो सिविल सेवा के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे आप जानते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर थे लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कब हटाया गया था अठारह में हटाया गया ये देखिए अठारह में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ये कहते हैं ना कि करके दिखाना होता है कह के नहीं तो करके दिखाना है ठीक है काम बोलना चाहिए तो अठारह में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हटाया

इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की थी अच्छे अच्छे अंग्रेज विद्यार्थियों को पीछे छोड़कर भाई इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती थी तो उसमें भारतीय जो बच्चे थे भारतीय जो छात्र थे वो भी हिस्सा लेते थे अंग्रेज छात्र भी हिस्सा लेते थे और आप सोचिए कि जिस परीक्षा में ब्रिटेन के छात्र भारत के छात्र एक साथ परीक्षा देते थे उस परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस ने चौथी रैंक हासिल की और उसके बाद क्या कहा पता है कि मन्य नहीं करनी तुम्हारी नौकरी नौकरी करी ही नहीं ठीक है ना लात मार दी कि भैया अंग्रेजों की नौकरी हमें करनी ही नहीं है वो थे सुभाष चंद्र बोस जी ठीक है ना तो आप सोचिए कि है ना आज के जमाने में आपको क्या है आपको मेहनत करके एक वर्दी ही तो लेनी है तो आप ऐसे लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं ठीक है कि देखिए चौथी रैंक हासिल की थी चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन थे भैया असैनिक सेवक थे वो असैनिक सेवक कौन थे तो ए ओ ह्यूम थे कौन थे ए ओ ह्यूम थे अच्छा ए ओ ह्यूम को क्या कहा जाता था हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था ध्यान दीजिएगा कई बार ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि ए ओ ह्यूम कौन थे तो आप कहेंगे अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर क्या कहेंगे आप रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर मतलब एक अधिकारी भी आप कह सकते हैं अध्यक्ष अच्छा, नहीं रहे महासचिव रहे थे और हाँ को लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग और एक बार दोस्तों के साथ शेयर करके आइए लाइव सभी लोग बने रहे एक हजार लाइव का आंकड़ा यहां पार देखना चाहिए इतने दिन बाद क्लास ले रहा हूं इतनी छोटी सी आप वही हाँ, खुशखबरी तो दे ही सकते हैं चलिए महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में साथियों यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था कहा पर कहां पर बेलगांव कहां पड़ता है भाई साहब बेलगांव पड़ता है साथियों कर्नाटक में अच्छा एक बात और जरा ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी पहली बार है ना पहली बार आई इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे किस अधिवेशन में शामिल हुए थे किस अधिवेशन में शामिल हुए तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कई लोगों को आश्चर्य यह होता है कि गांधी जी उन्नीस के कलकत्ता अधिवेशन में कैसे शामिल हो सकते हैं जबकि गांधी जी जबकि गांधी जी तो अठारह में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में गांधी जी लौटे थे मतलब ये वो टाइम है जब गांधी जी कहां थे साउथ अफ्रीका में थे तो मेरे दोस्त बीच बीच में साउथ अफ्रीका से गांधी जी आते रहते थे 1901 का कलकत्ता अधिवेशन जिसके अध्यक्ष कौन थे दिनेश वाचा थे चाचा नहीं वाचा ये बताओ हाँ जी हाँ भैया बेहतर है दोस्त बेहतर है अच्छा अच्छा कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था कोई बता सकता है कमेंट करके बताइएगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्ताईसवां अधिवेशन क्या आप जानते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि बिहार में ये कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस का ठीक है ना पहला अधिवेशन कब हुआ और दूसरा अधिवेशन कौन सा कब हुआ और क्या आप जानते हैं कि जो पहला था ये ओवरऑल कांग्रेस का सत्ताईसवा अधिवेशन था और ये जो दूसरा था ये ओवरऑल कांग्रेस का सैतीसवां अधिवेशन था ठीक है ये वाला कहां पर हुआ ये वाला हुआ बांकीपुर में ठीक है कहां पर बांकीपुर में बांकीपुर कहां पड़ता है पटना में पड़ता है कहा पटना में पड़ता है और ये वाला कहां हुआ तो ये वाला गया में हुआ कहां पर हुआ गया में हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्ष थे साथियों कौन रंगनाथ रंगनाथ नृसिंह मुधोलकर कौन थे अध्यक्ष रंगनाथ नृसिंग थे अच्छा इसके इसके अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे तो इसके थे तो चित्रंजन दास कौन थे भैया चित्रंजन दास आंसर ठीक है ना तो तो ये पूरी बात समझ पा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है ठीक है बहुत बढ़िया प्रश्न है ठीक है यहां पर चूंकि बाकीपुर ऑप्शन में है तो बाकीपुर आंसर देंगे नहीं तो इसका आंसर पटना होता समझ गए ना समझ गए एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया रीता जी ठीक है आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करें पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत शानदार सी किताब है देखिए पहली बात तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पर पॉवर्टी शब्द का इस्तेमाल हुआ है ठीक है ना पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नरोजी की किताब है यहां पावर्टी शब्द का इस्तेमाल हुआ पॉवर्टी पावर्टी का मतलब क्या होता है गरीबी अब सीधी सी बात है कि गरीबी निर्धारण का प्रथम प्रयास किसने किया तो भाई साहब गरीबी निर्धारण का प्रथम प्रयास कर सकते हैं अब इस बुक में पॉवर्टी शब्द आया है तो पॉवर्टी का मतलब गरीबी इसका मतलब गरीबी पर किताब है इसका मतलब इन्होंने गरीबी पर काम किया तो गरीबी निर्धारण का प्रयास किया अब जब गरीबी निर्धारण करने गए तो इन्होंने पर कैपिटल इनकम का भी पहली बार निर्धारण किया पर कैपिटल इनकम का भी पहली बार निर्धारण किया बात समझ रहे हैं ना निर्धारण किया 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 अच्छा ये कब किया? तो 1867 में किया और बताया कि वार्षिक आय है भारतीयों की ठीक है और जब ये सारी चीजें दादा भाई नरोजी देख रहे थे ठीक है रिसर्च कर रहे थे तो इनको पता चला कि भारत में ये सारी चीजें जो गरीबी है इसका कारण है ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कि अंग्रेज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दी जिसमें इन्होंने बताया कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं ठीक है ना किस प्रकार से भारत से धन का निष्कासन कर रहे हैं ठीक है ना तो ये चीजें आप रिलेट कर पाए और जब ये सारी चीजें दादा भाई नरोजी ने करी तो इनको लगा कि कुछ करना चाहिए तो इन्होंने सीधा क्या किया ब्रिटेन चले गए वहीं जाकर भाई साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और भाई साहब जीत गए ब्रिटेन की संसद में पहुंच गए और ब्रिटिश संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय हुए और सोचिए यहाँ है ना यहाँ लोग प्रधानी का इलेक्शन जीतने के लिए इतनी मेहनत करते हैं ये बंदा ये भी क्या गजब के व्यक्ति थे सीधा ब्रिटेन में जाकर ब्रिटेन की संसद का चुनाव लड़ा डंके की चोट पर जीत गए ब्रिटेन की ब्रिटेन की संसद में बैठकर ब्रिटेन की सरकार को चार गालियां सुनाई कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यार भारत में क्या कर रहे हो धन का निष्कासन कर करो शर्म नहीं आती तुम लोगों को नालायक को ना? तो भैया ऐसे थे हमारे मतलब दादा भाई नेहरू जी इसीलिए हाँ कांग्रेस का पहला गांव में हुआ अधिवेशन था फैजपुर वाला उन्नीस में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हाँ जी सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करिएगा अगर मजा आए किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा अरे यार कहां से आते हैं ऐसे लोग ठीक है तो भैया यह यह मतलब नहीं कहना चाहिए तो सोचा या योजनाबद्ध किया गया था मैं आपको बता दूं कि ये वही सर सैयद अहमद खान हैं जिन्होंने पहले तो अलीगढ़ मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी 1875 में ठीक है फिर इसी को कन्वर्ट करके आगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया गया मतलब अलीगढ़ है ना कौन एल यू है ना नहीं ए -यू नहीं कहेंगे क्या कहेंगे ए कहेंगे क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ठीक है ना कब बनाया गया 1920 में तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं ठीक है आइए अगला देखा जाए हालांकि सर सैयद अहमद खान से जब एक बार एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो

कि ये कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले थे अच्छा 1905 का वर्ष वैसे भी गोपाल कृष्ण गोखले के लिए क्या था जी गोपाल कृष्ण गोखले के लिए 1905 का वर्ष बड़ा शानदार था क्योंकि इस वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ उस बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष भी यही थे बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष ठीक है ना बात समझ रहे हैं पूरी बात हां जी बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और साथियों गोपाल कृष्ण गोखले के समय में ही तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था अब आप सोचो सबको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो एक जुगाड़ लगा लो क्या जुगाड़ लगा लो कि ब से बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ तो ब से बंगाल का विभाजन 1905 में और ब से बंगाल और ब से बनारस है ना बसे बंगाल और बसे बनारस तो ये राजा हमका बनारस घुमाए हा जी चल के चौकवा पे चमचम चिखाएदा क्यों हाजी तो अब एक बात और सुनो भैया गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई और गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल का विभाजन करने वाले करजन को क्या कहा कि ये आधुनिक भारत का औरंगजेब है जन को क्या कहा आधुनिक भारत का अंग्रेज औरंगजेब है तो पूछा जाता है कि करजन को आधुनिक भारत का अंग्रेज किसने कहा तो भैया इन्होंने ही कहा गोपाल कृष्ण गोखले ने हाँ जी गोपाल कृष्ण गोखले कौन है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु है ना मोहम्मद अली जिन्ना और राजनीतिक मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आप कहेंगे सर ये कैसे कैसे राजनीतिक गुरु हुए कि एक मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बना दिया और एक महात्मा गांधी भारत है ना क्या हो गया

ये देखिएगा तो लाल बाल पाल तो ठीक तो बीपीएल कार्ड बीपीएल कार्ड तो आप जानते हैं ना तो बीपीएल कार्ड में बी से क्या हो जाएगा भैया बिपिन चंद्रपाल ठीक है ना बिपिन चंद्रपाल गरम दल के नेता थे बिपिन चंद्रपाल थे और कौन थे भैया

ध्यान <laughs> दो तो अगर हम शेर पंजाब पंजाब भी कह सकते हैं या पंजाब का शेर कह सकते हैं लाल लाजपत राय अच्छा याद करो ये वही लाल लाजपत राय जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी थी पंजाब नेशनल बैंक इन्होंने कब स्थापित करी अठारह सौ चौरानवे में क्या आप जानते हैं कि पूर्णतः है? पहली भारतीय बैंक थी पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक थी ठीक है ना पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक थी तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि ये प्रथम प्रथम पूर्णतः भारतीय बैंक थी और लाल राय वही हैं जिन्होंने एक किताब लिखी यंग इंडिया और यंग इंडिया बुक में इन्होंने क्या बताया यंग इंडिया बुक में इन्होंने कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया क्या दिया सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया तो याद रखिएगा कि सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत किसने दिया था लाला लाजपत राय ने ठीक है अच्छा ये वही लाला लाजपत राय हैं साथियों जिनके नेतृत्व तो में साइमन कमीशन का विरोध हुआ इन पर लाठी प्रहार हुआ और उनके बाद इनकी डेथ हो गई ठीक है ना एकदम भैया सूरज हाँ जगाते रहो जागते रहो और आगे बढ़ते रहो क्योंकि ये देश युवाओं का है और ये युवा ही इस देश को सोने की चिड़िया फिर से बना सकता है पूरे दुनिया में परचम लहरा सकता है ये किसी नेता के दम की बात नहीं है ये नेताओं के बस की बात नहीं है कि वो भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दे ये अगर कोई कर सकता है तो वो हमारे देश का युवा कर सकता है और इस देश को जब भी हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर से सोने की चिड़िया बनता देखेंगे तो उसमें योगदान निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि अगर बसे बिहार होता है तो बसे बगावत भी होता है और जय बिहार धुआंधार यही ललकार अब की बार बिहार पुलिस में वर्दी आपके द्वार चलिए मुजफ्फरपुर में किंग्स बोर्ड की वो भी क्या बेहतरीन वो दो भारत मां के सपूत थे कौन भैया खुदी राम बोस कौन सा थी खुदी राम बोस भाई गजब की देशभक्ति थी और कौन प्रफुल्ल चाकी ठीक है साथियों तो हुआ क्या था मामला पता है कि अपने बिहार की ही बात है अपने बिहार की ही बात है कि मुजफ्फरपुर जो जिला है वहां का जिला जज था किंग्सफोर्ड और ये बड़ा बदनाम था भाई बहुत बदनाम था उल्टे सीधे है ना उल्टे सीधे क्या करता था उल्टे सीधे ये मतलब फैसले दे देता था तो ये बहुत बदनाम था 1908 में खुदी राम बोस और प्रफुल्ल चाकी निकले कि इसको निपटाई डालेंगे बहुत हरामी है यार ठीक है तो किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया खैर मार नहीं पाए और इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदी राम बोस को पकड़कर फांसी दे दी गई और भारत में सबसे कम उम्र में फांसी पर झूलने वाले भारत मां के वीर सपूत हुए खुदी बोस क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी आराम से बता लेंगे आप चारों एक बार देखिए ना आपको ऐसे लग रहा होगा क्वेश्चन बड़ा टफ है लेकिन आप पढ़िए संध्या युगान्त गदर इसमें से कोई पत्रिका के बारे में आप जानते हैं गदर भाई यंग इंडिया तो जानते हैं ना यंग इंडिया किसकी थी महात्मा गांधी की थी अब आप बताइए महात्मा गांधी कहां क्रांतिकारी गतिविधियों के ऊपर किताब मतलब पत्रिका लिखेंगे गांधी जी को क्रांतिकारी गतिविधियां थोड़ा ना पसंद थी गांधी जी को तो अपनी गांधीवादी विचारधारा पसंद थी जिसमें हिंसा को कहीं कोई जगह नहीं थी और क्रांतिकारियों को तो गोली बंदूक बमों की भाषा आती थी सीधा भगत सिंह राजगुरु सुखदेव प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस जैसे कि सीधा उठाया बम और मार दिया कि मारो इनको यहां से ठीक है आ, ये चरखे और लाठी से थोड़ा ना है ना हाँ वो कहते हैं कि सिर्फ चरखे और लाठी से आजादी नहीं मिली ठीक है चलिए भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है साथियों भारतीय क्रांति की जननी या यूं कह लीजिए कि कहेंगे कि भारतीय अशांति की जननी भारतीय अशांति की जननी भी कह सकते हैं तो भारतीय अशांति की जननी किसे कहा जाता है तो साथियों मैडम भिकाजी कामा को क्यों कहा जाता है और किसने कहा तो मैडम बीकाजी कामा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1907 में इन्होंने जर्मनी के स्टूट शहर में जर्मनी की भाई विदेशी जमीन पर है ना विदेशी जमीन पर भारतीय झंडा सबसे पहले इन्होंने फहराया तो भारतीय झंडा फहरा दिया था ठीक है सप्तऋषि झंडा था हालांकि वो ठीक है अच्छा भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है एक पत्रकार थे वेलेंटाइन शिरोले उन्होंने किताब लिखी थी इंडिया अनरेस्ट उसी में इन्होंने इसका जिक्र किया था ये देखिएगा मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टूटगार्ड शहर में झंडा गाड़ दिया था लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे साथियों क्या आप जानते हैं कि लंदन के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं जी हाँ लंदन के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती है आप कहेंगे सर क्या अरे देखा ना यहां पर देखो हेड ऑफिस किसका किसका है यहां पर आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड ऑफिस मिलेगा किसका एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड ऑफिस कहां पर है यहीं पर है लंडन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड ऑफिस अच्छा और किसका हेड ऑफिस है याद करिए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कॉमन वेल्थ ऑफ नेशंस का भी हेड ऑफिस कहां पर है इसका भी हेड ऑफिस यहीं पर है ठीक है ना और किसका हेड ऑफिस है यहां पर भाई अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का नाम आपने सुना है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है इसका भी हेड ऑफिस कहां पर है इसका भी हेड ऑफिस आप देखोगे तो यहीं पर है तो तीन तीन तो हेड ऑफिस है लंडन में तीन तीन तो हेड ऑफिस है अच्छा चलो वो ठीक है अब ये देखो जरा कि क्या आप जानते हो कि यहीं पर किंग्सले हॉल है हाँ लंडन में अब किंग्सले हॉल से क्वेश्चन आता है क्या क्वेश्चन आता है जरा सोचो यहीं पर आप देखेंगे तो सेंट जेम्स पैलेस है ना? अब से क्या क्वेश्चन आता है कैक्सटन हॉल क्यों प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? ना और यहीं पर ये आपका इंडिया हाउस भी है तो क्यों प्रसिद्ध है भाई है ना क्यों प्रसिद्ध है और बात तो लंडन की हो रही है तो लंडन तो भाई साहब लंडन ही है कौन सी नदी किनारे है टेम्स नदी नदी किनारे हैं, नदी किनारे हैं, ना? हाँ, तो है, है, बिल्कुल है ना? वो है जहां महात्मा गांधी थे कब ठहरे थे कब ठहरे थे? थे 1931 में जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, में हिस्सा लेने गए थे आप कहोगे ऐसा क्वेश्चन भी आएगा क्या कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, में हिस्सा लेने गए तो कहां ठहरे पूछा गया है पूछा क्या जाएगा पूछा गया है ठीक है और सेंट जेम्स पैलेस यहीं पर तो गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए वो तीन के तीनों यहीं पर हुए थे बहुत बार पूछा गया है और ये कैक्सटन हॉल भाई साहब ये वही जगह तो है 1940 में जहां उधम सिंह ने उधम मचाया और जनरल डायर को गोलियों से भून दिया है ना 1940 में कैक्सटन हॉल में लंडन में घुस के जनरल डायल को गोलियों गोलियों से भूनने वाला कौन था उधम सिंह इंडिया हाउस 1905 में स्थापित किया गया किसके द्वारा श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जिससे आगे चढ़कर है ना वी डी सावरकर भी इससे जुड़े कौन वी डी सावरकर भी इससे जुड़े समझ रहे हो ना ये पूरी बात है मेरे भाई अब जब एक जगह ये सारी चीजें जानोगे तो बताओ आप भूलोगे नहीं भूलोगे ये बताओ जरा हाँ सभी के आंसर आने चाहिए बताइए जरा तो बहुत बढ़िया मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा किसने लिखा था एक्चुअली में बुक है है ना? एक बुक है और उस बुक का नाम जानते क्या है द इंडियन मुस्लिम क्या नाम है इस बुक का द इंडियन मुस्लिम है ना मुसलमान द इंडियन मुसलमान और इस किताब को किसने लिखा है पता है? इस किताब को लिखा डब्ल्यू डब्ल्यू टेलर ने है ना

ठीक है दोनों अलग अलग चीजें हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी कानपुर में कहां पर कानपुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में कहां पर दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में ठीक है ये वो संस्था है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसको रामप्रसाद बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल तथा सचिन नाथ सान्याल जैसे लोगों ने मिलकर बनाया था ठीक है सचिन नाथ सान्याल जैसे लोगों ने मिलकर बनाया और ये ये वो संस्था है जिसको भगत है ना राम आ, भाई चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोगों ने मिलकर बनाया ठीक है अच्छा अब और, और एक दो बातें जान लीजिए यहां पर क्या एक दो बातें यह भी जान लीजिए कि वो जो काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना है उसको किस संस्था ने अंजाम दिया तो काकोरी ट्रेन एक्शन की जो घटना है उसको इसी संस्था ने अंजाम दिया ठीक है काकोरी ट्रेन एक्शन

जी तो भैया भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका तो पूरी बात याद अब आप सोच के देखो कि अगर ये दोनों एक साथ याद करोगे तो याद रहेगा ना लंबे समय तक नहीं तो कैसे याद रहेगा नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि विभाजन है? है? की घोषणा कब की गई थी साथियों बंगाल विभाजन की घोषणा की बात हो रही है और निश्चित रूप से आप आंसर दे लेंगे बस एक बार जरा प्रयास करिएगा तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को और अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें तो इसका कारण क्या बताया अंग्रेजों ने बताओ जरा अंग्रेजों के द्वारा बताया गया प्रशासनिक है ना असुविधा ध्यान देना यह प्रश्न पूछा जाता है कि भैया विभाजन का कारण क्या था तो प्रशासनिक असुविधा क्लियर याद रहेगा बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक असुविधा लेकिन वास्तविक कारण क्या था वास्तविक कारण था बंगाल का वास्तविक कारण जो अंग्रेजों ने बताया वो ये था कि बहुत बड़ा बंगाल है प्रशासन करने में दिक्कत होती है ठीक है ना हाँ अब लेकिन वास्तव में कारण क्या था बंगाल का उभरती हुई उभरती हुई है ना भारतीय राष्ट्रीय चेतना का भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र होना बात समझ गए भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र होना ठीक अच्छा पीडीएफ मिल जाएगा एकदम टेंशन मत लो क्लास के तुरंत बाद मैं पीडीएफ दे दूंगा चलो मैं प्रयास करूंगा कि क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाए कहां पर मिल जाए विशाल सर एमडी क्लासेस टेलीग्राम पर ठीक है ना तो ये जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है ठीक है मेरा प्रयास रहेगा कि क्लास के दस मिनट के अंदर अंदर क्लास के तुरंत बाद इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाए ठीक है ना ये मैं पूरा प्रयास करूंगा ठीक हाजी आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है सात अगस्त को मनाया जाता है जिस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है है हाँ जी ये जरा ध्यान दीजिए करजन वाली की हत्या क्या बात भैया भाई साहब कुछ लोगों ने इतना खुश किया ना कुछ लोगों ने इतना जबरदस्त काम किया कि मजा आ गया जैसे जैसे उधम सिंह ने उधम सिंह सीधा लंडन गए है ना जनरल डायर को देखा गोलियों से निपटा डाला मदन लाल ढींगरा ठीक है यह भी लंदन गए भाई साहब ये भी लंदन गए और करजन वायली का तो मतलब वायलिन गायब कर दिया ठीक है दोनों लोगों ने लंदन में घुस के जो मारा अंग्रेजों को मजा आया ठीक है बस इसी लायक थे अंग्रेज ये बताओ न्यू लैंड फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग अब आप सोच रहे हो सर किसने लिखा तो भाई साहब ये लिखा है अरविंद घोष ने किसने लिखा है अरविंद घोष ने अरविंद घोष गर्म दल के नेता थे जोरदार कमेंट आने चाहिए और आठ लाइक कौन कर रहा है यार लाइक वाइक तो भैया एकदम दिल खोल के किया करो यार है ना थोड़ा मजा आता है लाइक की संख्या देखकर मोड़ा खुशी मिलती है यार या चलो <laughs> कुछ लोग पसंद कर रहे हैं काकोरी ट्रेन डकैती वाली घटना साथियों 1925 में घटित हुई थी हम सब जानते हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाली संस्था थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया था अब आप यह भी जानते हैं कि इसमें चार लोगों को फांसी हुई एक तो राम प्रसाद बिस्मिल थे इनको फांसी कहां पर हुई थी साथियों तो इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में कहां पर गोरखपुर में अच्छा इसी प्रकार से आप देखेंगे तो इसमें राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी हुई कहां फांसी हुई थी राजेंद्र लाहिड़ी को राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी गोंडा में ठीक है ना इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे तो भैया रोशन सिंह को फांसी हुई कहां फांसी हुई रोशन सिंह को रोशन सिंह को फांसी हुई थी नैनी में नैनी कहां पड़ता है प्रयागराज में ठीक है इसी तरीके से इसमें फांसी हुई और किसको इसमें फांसी हुई साथियों अशफाक उल्ला खां को कहा फांसी हुई थी अशफाक उल्ला खां को तो अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी आज के अयोध्या में ठीक है ना कहां पर अयोध्या में फांसी दी गई थी ठीक है तो बिल्कुल आपको याद रखना है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुबे का तिल में है ये देखिए आ भी गया हाँ जी ठीक है तो बिल्कुल आपको याद रखना है लेकिन साथियों क्या आपको पता है कि ये राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है इनका नाम क्या था पता है इनका नाम था बिस्मिल अजीमा क्या नाम था इनका बिस्मिल अजीमा ठीक है तो बिल्कुल याद रखिएगा बिस्मिल, बिस्मिल अजीमा ठीक है बिस्मिल अजीमा ठीक है मुरादाबादी नहीं अजीमा चलिए जी ये बताने का प्रयास करेंगे भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी यह तो बिल्कुल आपको पता होगा और किस मामले में फांसी हुई थी याद करो और किस संस्था से जुड़े थे तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे एक पहली बात तो ये है और दूसरी बात क्या है दूसरी बात यह है कि ये तीनों लोगों को फांसी हुई थी सांडर सत्याकांड में किस में फांसी हुई थी सांडर सत्याकांड में फांसी हुई थी ठीक है ना सांडर सत्याकांड में फांसी हुई थी और फांसी हुई थी एग्जैक्टली exactly, 23 मार्च 1931 को और यही कारण है कि इस दिन हर साल शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है और इसके पहले होने वाली घटना कौन सी है तो इसके जस्ट पहले होने वाली घटना जो कि अक्सर पूछी जाती है पांच मार्च 1931 को दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट जिसको गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है क्या कहा जाता है गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है जिसमें देश की जनता ने गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया कि भाई साहब आपने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को क्यों नहीं बचाया ठीक है खैर चलिए आगे देखा जाए चटगांव शास्त्रागार धावे से कौन संबंधित था अब आप कहेंगे सर ये कौन सा धावा था साथियों धावा यह था कि चटगांव आज के हिसाब से बांग्लादेश में पड़ता है आप सब जानते हैं ठीक है ना हाँ जी तो चटगांव 1930 में क्या हुआ कि चटगांव में जो शास्त्रागार था अंग्रेजों का उस पर हमला करके वहां पे जो रखे गए शस्त्र हैं उनको लूटा गया था और सूर्य सेन जिनको साथियों और क्या कहा जाता है तो इनको मास्टर दा भी कहा जाता है क्या कहा जाता है मास्टर दा कहा जाता है ठीक है ना हाँ हा चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए गदर पार्टी की स्थापना

निकाली गई थी ठीक है जी आइए ये देखिएगा स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए स्वराज क्यों भी? ब्यूटी झांसी हाँ हाँ शनि बहुत बढ़िया अजीत, हाँ जी रोहित बताओ स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं याद करो स्वराज के बारे में बहुत सारी बातें बताई हमने और स्वराज ठीक है और पूर्ण स्वराज ये दो अलग अलग चीजें हमने बताई हैं कि कांग्रेस के द्वारा स्वराज को 1906 में तब लक्ष्य निर्धारित किया गया जब इसका अधिवेशन कलकत्ता में हुआ दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को उन्नीस में लक्ष्य निर्धारित किया जब इसका अधिवेशन हुआ लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हालांकि पूर्ण स्वराज का नारा सबसे पहले किसने दिया था तो पूर्ण स्वराज का नारा सबसे पहले दिया था किसने हाँ हसरत मोहानी ने आइए अगला प्रश्न देख लिया जाए हाँ जोरदार कमेंट के साथ आंसर आना चाहिए भाई साहब इंडिया फॉर इंडियंस नाम की किताब किसने लिखी थी इंडिया फॉर इंडियंस नाम की किताब लिखी गई थी किसके द्वारा चित्ररंजन दास के द्वारा नहीं चित्ररंजन दास के द्वारा नहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ठीक है ना हां बिल्कुल हाँ? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं 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 चित्रंजन दास ही ठीक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं साथियों चित्रंजन दास ठीक है अच्छा ये चित्रंजन दास कौन है याद करिए ये चित्रंजन दास साथियों वही हैं जिनसे रिलेटेड बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है ना बहुत फेमस कि 1923 में प्रयाग में कहा पर प्रयाग राज में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर किसने की थी ठीक है ना स्वराज पार्टी की स्थापना ठीक बाकी आप जानते हैं कि भाई वी डी सावरकर के द्वारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की बुक लिखी गई ठीक है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी बहुत बढ़िया चलो ध्यान दो भाई अनहैप्पी इंडिया साथियों अनहैप्पी इंडिया किताब देखो दो चीजें अनहैप्पी इंडिया लिखी गई बकायदा लाला लाजपत राय के द्वारा लाला लाजपत राय सेफ्टी वॉल कांग्रेस की स्थापना का सेफ्टी वॉल सिद्धांत दिया गया था इनके द्वारा हां जी ये बताइए अच्छा इनकी एक फेमस किताब है बाल गंगाधर तिलक की दो फेमस किताबें हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है एक तो गीता रहस्य है जो कि भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है और दूसरा बाल गंगाधर तिलक की किताब है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस जिसमें इन्होंने आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बताया है होम ऑफ द आर्यंस वैसे तो और भी इन्होंने किताबें लिखी हैं लेकिन ये दो किताबें मुख्य रूप से ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं एनी anyway, बेसेंट आप जानते हैं इन्होंने दो संपादित की थी एक कॉमन व्हील और दूसरा न्यू इंडिया चलिए फटाफट आंसर देंगे और सभी लोग जरा सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सेशन है इसमें टोटल एक क्वेश्चन है लेकिन सभी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि मैं आज ही पढ़ा पाऊंगा क्योंकि अभी आप जानते हैं कि चूंकि डेंगू हुआ था और अभी पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है तो सभी एक आज के सेशन में नहीं पढ़ा पाऊंगा और ये हम सत्तर क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं बाकी का जो बचा हुआ पचास सत्तावन क्वेश्चन होगा वो हम कल वाले सेशन में पूरा कर लेंगे ठीक है ना तो सत्तर क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं बाकी का बचा हुआ जो सत्तावन क्वेश्चन होगा वो हम लोग फिर कल पढ़ लेंगे ठीक है ना कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को हाँ, पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा ठीक है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी तो साथियों याद करिए 1906 की बात है और कहां पर स्थापना हुई थी ढाका में ठीक है ना ढाका में किसके नेतृत्व में नवाब सलीम उल्ला खां ठीक है नवाब सलीम उल्लाह खां निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल की स्थापना में नहीं था तो इसमें से कौन है जो होम रूल लीग से नहीं संबंधित था ये बताइएगा जरा सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा एक हजार लाइक का आंकड़ा पूरा होना चाहिए इधर सत्तर क्वेश्चन के साथ एक हजार लाइक का आंकड़ा भी पूरा होना चाहिए चलिए टी एस अलकाट ठीक है ना ये अलकाट किससे संबंधित है पता है ये तो थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे पता है अच्छा थियोसोफिकल सोसाइटी बहुत गजब की संस्था थी गजब की संस्था में क्यों कह रहा हूं समझना एक तो इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई पहली बात ठीक है न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई दूसरे इसके संस्थापक कौन थे पता है एक तो, तो मैडम ब्लावस्की थी रूस की रहने वाली थी कौन मैडम ब्लावस्की जो कि रूस की रहने वाली थी और दूसरा कौन था पता है दूसरे थे कर्नल हेनरी नील अलकाट ठीक है कौन थे दूसरे दूसरे अलकाट थे ठीक है कौन थे अलकाट थे और ये ये अमेरिका के थे ये कहां के थे अमेरिका के थे इसमें अच्छी बात क्या थी बताए एक रूस की महिला है और एक अमेरिका के व्यक्ति हैं दोनों ने मिलकर ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी बनाई इसका उद्देश्य जानते हैं क्या था इसका उद्देश्य था हिंदू पुनरुत्थान आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाना है ना आइए ये देखा जाए शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया था सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग ने क्या सिफारिश की थी बताए टेन प्लस टू की जो पढ़ाई है टेन प्लस टू की जो शिक्षा है उसको कॉलेज है ना कॉलेज से हटाकर स्कूलों में कर दिया जाए कॉलेज से हटाकर स्कूलों में कर दिया जाए और दूसरा इसने सिफारिश क्या दी शिक्षा को प्रांतीय विषय बनाने का सिफारिश दी मतलब शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया आज के समय में शिक्षा क्या है बताइए आज के समय में शिक्षा समोर्ति सूची में है आज के समय में समर्थी सूची में है ना बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा समर्थी सूची में डाला गया था ठीक है तब से समर्थी सूची में ही है 1917 की बात है 1917 में रूस की क्रांति भी हुई थी जिसे बोल्सेविक की क्रांति भी कहा जाता है क्या कहा जाता है बोल्सेविक की क्रांति भी कहा जाता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था 1917 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ जिसमें पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया था ठीक है ना और 1917 में ही मॉन्टेगू घोषणा भी हुई थी जिसे उदारवादियों ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्ड रखा ठीक है भाई पारुल ब्यूटी अंजलि विपुल नीतीश हाँ जी बताइए भाई विक्की नाव काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे याद करिए गांधी जी से रिलेटेड कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि लगता है कि अरे भैया नया क्वेश्चन कहां से ले है यार तो जैसे बीपीएससी ने पूछा था ना कि महात्मा गांधी की जान चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने बचाई थी तो क्या आंसर था बतक मिया था ऐसे ही एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि गांधी जी ने अपनी पढ़ाई प्रारंभ प्रारंभिक पढ़ाई गांधी जी ने कहां से की थी तो गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई है ना गुजरात में भावनगर गुजरात के भावनगर से करी थी ठीक है और इन्होंने लॉ की पढ़ाई कहां से की थी एल एल बी लॉ की पढ़ाई इन्होंने लंदन से करी थी कहां से करी थी तो लॉ की पढ़ाई इन्होंने लंदन से अठारह सौ नवासी में करी थी यह बताइएगा जरा सभी लोग तो हाँ जी बस दो सवाल और सत्तर प्रश्न कराऊंगा चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान सबको पता है कि राजकुमार शुक्ल जो है वर्ष उन्नीस सौ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए यहीं पर गांधी जी से इन्होंने चंपारण के किसानों की स्थिति के बारे में बताया और कहा कि आप चंपारण आइए ठीक है ना ये बताइए बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था तो जाहिर सी बात है गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था 1917 स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे जिन्हें दीन बंधु भी कहा जाता है चलिए फटाफट बताएगा कोई बता सकता है कि भैया दीन बंधु किसे कहा जाता है दीन बंधु

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये जो सेशन है जो अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये जो सेशन है इसमें टोटल क्वेश्चन हमने कितने रखे थे एक क्वेश्चन रखे थे लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि मैं फिर बता दूं कि मैं अभी अभी डेंगू बीमारी से थोड़ा सा है ना बेहतर हुआ हूं तो डेंगू बीमारी जब भी किसी को होती है तो इतने जल्दी रिकवर नहीं होता है तो थोड़ी लंबी क्लास लेने में अभी असमर्थ हूं तो एक में से सत्तर क्वेश्चन आपको करा दिया है बाकी के बचे हुए 57 क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जिसका नाम है विशाल सर एमडी क्लासेस ठीक है ना मैं प्रयास करूंगा कि अभी कुछ ही समय में मैं आपको यहां पर टेलीग्राम पर ठीक है पीडीएफ उपलब्ध करा दूं विशाल सर एमडी क्लासेस ठीक है और अगर आ, अभी मैं प्रयास करूंगा कि दस मिनट में दस पंद्रह मिनट में यहां पर पीडीएफ मिल जाए अगर मिल जाता है तो ठीक है नहीं तो परेशान मत होइएगा कल सुबह कल सुबह मैक्सिमम मान के चलिए कि ग्यारह बजे तक है ना उपलब्ध हो जाएगा ग्यारह बजे के आसपास तक अगर है ना कोशिश करूंगा पहले तो इसी समय डाल दूं ना मिल पाए तो सुबह ग्यारह बजे तक का वेट कर लीजिएगा इसी ग्रुप में मिल जाएगा ठीक है ना चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी करिएगा कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा ठीक है हाँ और बढ़िया से रिवाइज करिए जो भी होगा सब अच्छा होगा माता रानी की कृपा सभी पर बना रहे है ना और सभी का विश्व का कल्याण हो प्राणियों में एकता हो बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से ठीक है चलिए मिलते हैं फिर कल धन्यवाद थैंक यू वेरी मच गुड नाइट शुभरात्रि